हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। बहुत दिनों के बाद फिर से कुछ शेयर करते हैं आपसे। एक्साइटेड आज बहुत हूँ क्योंकि एक महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि कल मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम तो आज भी है। पीयूष गुप्ता जो कोच है उस प्रोग्राम के, बहुत अच्छे से सिखाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। और डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को भी पता होगा, आप पूरे दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर देखते ही हो, सिर्फ देखते हो, खुद की एडवर्टाइज कुछ करते नहीं हो। मेरा मानना यह है कि आगे इंटरनेट जिस हिसाब से बूम कर रहा है या फिर इंटरनेट पे जिस हिसाब से क्रांति आई है, उस हिसाब से देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। ऑल ओवर सभी, मतलब मुझे ऐसा लगता है 20% 30% लोग डिजिटल मार्केटिंग करते होंगे और आज रिजल्ट उनके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, और आज जो नहीं करते उनके पास इतना कोई खास बिजनेस नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग मैंने भी सोचा कि मुझे भी सीखनी चाहिए, तो कल पूरे दिन प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, सभी को करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिससे आप आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, अच्छे से बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तरीका पता होना चाहिए कि कैसे मार्केटिंग करते हैं। मैंने भी ऐसे ही मैं सोच भी रहा था, और डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है कि अगर आप कुछ सोच रहे हो तो आपके सामने जब वो ऐसी एडवर्टाइज आती है, देखो पैसा सेकंड थिंग है, कितना रुपया लगेगा, कितना रुपया मुझे चुकाना पड़ेगा, ये तो आप छोटी बड़ी चीजों में खर्चा करते ही हो। मेरा और सभी बहुत बड़े जितने भी ट्रेनर है सभी का मानना यही है कि माइंड पर इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि जो आपसे करवाता है सब माइंड करवाता है। बॉडी भी बाद में करवाती है, पहले माइंड सोचता है कि मुझे ये काम करना है, तब जाके बॉडी एक्शन लेती है। तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा माइंड पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि माइंड पर इन्वेस्ट किया हुआ आपको कितने गुना रिजल्ट दे सकता है आप सब सोच भी नहीं सकते। कई बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कोई प्रोग्राम आपने अटेंड किया और उसमें से कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ आपकी लाइफ में चेंज आया, लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीजें हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके बिजनेस को लेके। आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, कर सकते हो, थोड़ा पीयूष गुप्ता तो है ही, ऐसे बहुत सारे ट्रेनर हैं, बट मुझे ठीक लगा तो मैंने पीयूष गुप्ता का प्रोग्राम अटेंड किया सैटरडे। आज संडे है तो मैंने यही सोच के वीडियो बनाया है कि आप लोगों को भी सीखना चाहिए फेसबुक से, इंस्टाग्राम से बिजनेस कैसे गेन करें। और बहुत सिंपल तरीका है, पर आपको और मुझे, या फिर जब तक मैंने नहीं सीखा था तब तक मुझे भी बहुत हार्ड लगता था। जैसे लाइक व्हाट्सएप, आपने भी कभी पहली बार स्टार्ट किया होगा तो उस समय पे आपको व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा टिपिकल लगता होगा, बट जब आपने उसके सारे फंक्शन समझ लिए, फीचर समझ लिए, उसके बाद चलाना इजी हो गया। आप चलाते हो, मैं चलाते हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलाता है। तो ऐसा ही कुछ है, जब तक आप किसी ज्ञान को सीखो ना तब तक आपके लिए वो मुश्किल है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है इसका, और बस तरीका ही समझना है, क्योंकि उसके बाद तो आप और इजीली उसको चला पाओगे। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, गुजारिश है कि आप भी माइंड पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि माइंड पर इन्वेस्ट किया हुआ कभी भी वो आपके लिए वर्थफुल है, आपको पैसा कमाई करके देगा। ये माइंड ही कमाई करके देता है। अगर आपका पैसा एम है, अगर आप चाहते हो कि पैसा बनाना है, तो आगे डिजिटल वर्ल्ड में आपको घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, बिजनेस करने के तरीके चेंज हो गए हैं। पहले किसी को कुछ चाहिए होता था, हम जाके सीधा उन्हें सेल कर देते थे और वो
बिजनेस हो भी जाता था, बट अब तरीका चेंज हो गया है। अब आपको उसे घुमा फिरा के उसके माइंड में पूरा सेटअप बिठा के, जैसे ये कंपनी करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बार बार आपके सामने एक ही प्रोडक्ट के फोटोज भेजती रहती है, आपने कभी भी एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे आपने कोई चीज सर्च की कि आपको फॉर एग्जाम्पल जूते खरीदने हैं, तो आपने किसी भी कंपनी के जूते देखे तो अगले 3 दिन तक 4 दिन तक आपके सामने बार बार जूतों की ही एडवर्टाइज आती है। वो कहाँ से होता है? ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। बहुत पीछे सिस्टम्स लगे हुए हैं, बैकएंड में बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है जो आपके माइंड को पढ़ती है और आपके माइंड को बार 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 वही सिग्नल देती है कि आपको ये परचेज कर लेना चाहिए। और हम खरीद भी लेते हैं, मतलब अगर कोई चॉइस है आपकी तो कुछ ना कुछ तो आप खरीद ही लोगे, क्योंकि आपने उसे सर्च किया है, आपने उसे देखा है, तो आप ये सब चीजें एक्सपीरियंस भी करते होंगे। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी गूगल पे भी आपका अकाउंट बनाओ, गूगल बिजनेस एक एप्लीकेशन है, उस पर भी आपका अकाउंट बनाओ, फेसबुक पर भी आपके बिजनेस का अकाउंट बनाओ। खाली पर्सनल अकाउंट ठीक है, पर्सनल अकाउंट अपनी जगह पे, पर एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए जिससे आपको बिजनेस मिले, जिससे आपको इनकम हो और जिससे आप ग्रो कर पाए। गूगल बिजनेस अकाउंट भी बहुत एक अच्छा टूल्स है जिससे आप आज मैं मेरी बात करूं तो मैं कहीं पर भी जाता हूं तो मुझे लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ खरीदना है, तो मैं सबसे पहले गूगल पर जाकर सर्च करता हूं कि मेरे आसपास कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मुझे जाना चाहिए। तो आप भी अपना अकाउंट बनाओगे तो लोग आपको सर्च कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। बहुत सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जिसमें अगर आपने कुछ लिखा गूगल अकाउंट के, आप एड भी देखो अकाउंट बिजनेस के, जिसमें वो अच्छे से बताते हैं कि आपको छोटी से छोटी चीज खरीदनी है, अगर आप उस पर सर्च करते हो गूगल पर, आपको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा इजी वे में वो बता देंगे कि जस्ट 300 फीट पे या 1 किलोमीटर पे ये चीज है। तो वो कैसे हो पाता है? अगर लोगों ने अपने बिजनेस उस पर डाइवर्ट किए हैं तो आज वो बिजनेस कर रहे हैं। सेम थिंग अगर आप और मैं हमारे बिजनेस को अगर गूगल पर एस्टैब्लिश करेंगे तो हमें भी बिजनेस मिलेगा जैसे लोगों को मिल रहा है। तो गूगल अकाउंट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब तो है ही है, यूट्यूब अपनी जगह पर है, फेसबुक अपनी जगह पर है, इंस्टाग्राम भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हालांकि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक ही है, आप फेसबुक पर कोई भी चीज की एड चलाते हो तो वो इंस्टाग्राम पर भी शो होती है। वीडियो के फॉर्मेट में चलानी है, सिंगल इमेज के फॉर्मेट में चलानी है, लोगों तक पहुंचना है, बहुत इजी है, बट थोड़ा समझने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट करिए, थोड़ा अपना बजट उस और भी लगाइए जिससे आपको और ज्यादा इनकम हो सके। बहुत मैंने जो कल सीखा है, बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा अर्निंग्स आप कर सकते हो, बट तरीका, वे ऑफ द पैसा लगाने का तरीका सही होना चाहिए। एडवर्टाइज आपकी देखो, करते करते ही आप सीखोगे, सीधा पहली बार में आपको इतनी अच्छी एड नहीं बना दोगे, सब बहुत इजी फॉर्मेट में फेसबुक आपको सिखाता है। अब वो कैसे होता है, क्या होता है, ये तो पूरा मैं डिटेल में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने भी कल ही सीखा है, बट ये जरूर है कि आपको इंक्वायरी करनी चाहिए फेसबुक अकाउंट पर, फेसबुक पर बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, फेसबुक कैसे चार्ज करता है, कैसे आपके अकाउंट से डेबिट होता है, ये सब आप सीखोगे किसी अच्छे ट्रेनर से या फिर किसी अच्छे कोर्सेज से तो आपको पता चलेगा। बस आज के लिए इतना ही, चाहता हूं कि और भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखो मैंने सीखा, मुझे अच्छा लगा आपको बताना, क्योंकि आप भी यार मेरे फ्रेंड्स ही हो, और अगर मैंने कुछ सीखा है और मैंने कुछ अच्छा सीखा है तो मुझे कोई बताने में हर्ज नहीं है, और आप भी इस चीज को समझ सकते हो कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मुझे अच्छा भी लगता है आप लोगों से इस तरीके से ज्ञान को शेयर करना, या फिर कुछ अच्छा सीखा मैंने। कैसा लगा वीडियो आपको? कुछ आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मुझसे भी ज्यादा बेहतर जानते हैं तो मुझे कमेंट करो, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब भी दूंगा, और मुझे इंतजार भी रहेगा कि आपने मुझे कुछ बताया जिससे मैं और कुछ सीख पाया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती दोस्त, कभी भी सीखो, अच्छे से सीखो, लाइफ
एक्सपीरियंस करने के लिए ही मिली है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया, तो क्या किया लाइफ में। सो अच्छे से लाइफ को एक्सपीरियंस करो, सीखो। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, आपके भी फ्रेंड्स होंगे जिनको जरूरत होगी इन सब चीजों की, कि भाई कैसे आगे बढ़े। क्योंकि आजकल बहुत कम लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत ज्यादा लोग नौकरी से हाथ घुमा, मतलब नौकरी उनके पास नहीं है, कुछ करने को नहीं है, कुछ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी। आप इवन घर से भी बैठ के बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, अब तो बहुत स्कोप है। पहले लिमिटेड स्कोप हुआ करते थे, तब पता ही नहीं चलता था कि कैसे लिमिटेड बिजनेस में अपने हम कैसे घुसे। बट अब तो इतना बड़ा वर्ल्ड जो एक कंप्यूटर के अंदर या एक मोबाइल के अंदर या एक लैपटॉप के अंदर घुस चुका है कि आप चाहो वो बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो, चाहो उस बिजनेस में आपके कैरियर बना सकते हो, बहुत सारी चीजें। बस आप कुछ करो, मेरा कहना यही है, कुछ ना कुछ करो। कुछ ना कुछ करते करते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे, पर कुछ नहीं किया तो बहुत कम चांस है कि आप कहीं पहुंच पाओगे। तो इसी के साथ थैंक यू दोस्त, और वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो भी आपको ठीक लगे, सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हो तो। मिलेंगे फिर अगले नए वीडियो में कुछ और नई अच्छी अच्छी बातें लेकर। थैंक यू दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।